हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू आर सी आई एच ऑनलाइन क्लास इन बांसवा। तो स्टूडेंट, लास्ट वीडियो में, लास्ट लेक्चर में हमने बात की थी आवर सारणी के विकास की, और आवर सारणी के विकास में हमने तीन पॉइंट पढ़ लिए थे, तीन सिद्धांत पढ़े थे। अब उसके बाद हम बात कर रहे हैं जो हमारे पास फोर्थ सिद्धांत जो आ रहा है, फोर्थ जो नियम जो हमारे पास में आ रहा है, वो नियम आ रहा है हमारे पास में डोम नियर का नियम आ रहा है ना। तो इसके बारे में बात करते हैं। डोम रिनर का नियम क्या कहते हैं आप लोगों को? डोम रिनर का नियम ये कहता है, देखो इसी का नाम है डोम रिनर का त्रिक नियम। अब डोम रिनर का त्रिक का नियम, देखो सीधा है तो त्रिक का नियम। त्रिक का नियम क्या कहता है हमें? त्रिक का नियम ये बोल रहा है, इसके अनुसार ये बोल रहा है कि समान रासायनिक गुण वाले तत्व, समान रासायनिक गुण वाले तत्व, वो तत्व कितने होने चाहिए आपके पास में? तीन होने चाहिए। तीन समूह का, तीन तत्वों का एक समूह होना चाहिए। हम क्या बोलेंगे कि समान रासायनिक गुणों वाले तीन तत्वों का समूह त्रिक कहलाता है। तो यहाँ पर लिखेंगे समान रासायनिक गुणों वाले तत्वों का, समान रासायनिक गुणों वाले तीन तत्वों का समूह, तीन तत्वों का समूह जो कि एक ही वर्ग में व्यवस्थित होते हैं उन्हें त्रिक कहा जाता है, उन्हें त्रिक कहा जाता है। स्टूडेंट, ये जो नियम है, त्रिक का नियम, ये बोल रहा था कि हमारे पास में तीन तत्व होंगे, और तीनों में तीनों जो तत्व हैं वो हमारे पास में एक ही वर्ग के होंगे, और उनके रासायनिक गुण क्या होंगे? समान होंगे। और इन तीनों तत्वों के बीच परमाणु क्रमांक का अंतर 8 या फिर 18 का अंतर पाया जाएगा, और बीच वाले तत्व का परमाणु भार बाकी दो बचे तत्वों के औसत परमाणु भार के बराबर पाया जाता है। जैसे कि एक एग्जांपल की बात करें स्टूडेंट, ये क्या बोल रहा है कि समान रासायनिक गुणों वाले तीन तत्वों का समूह जो एक ही वर्ग में व्यवस्थित हो उन्हें त्रिक कहा जाता है। और हम यहाँ पर बात कर रहे हैं, दूसरे पॉइंट में बात करें इन तत्वों के परमाणु क्रमांकों का अंतर 8 या 18 पाया जाता हो थर्ड बीच वाले तत्व का परमाणु भार बाकी दो तत्वों के परमाणुओं के औसत भार के बराबर होता है, औसत भार के बराबर होता है। तो स्टूडेंट, ये नियम कह रहा है कि हमारे पास जो तत्व होंगे वो एक ही वर्ग के होने चाहिए, और तीन तत्व होने चाहिए, और तीनों तत्वों के बीच परमाणु क्रमांक का अंतर या तो 8 या फिर 18 होना चाहिए, और बीच वाले तत्व का औसत परमाणु भार जो होगा वो बाकी बचे हुए दो तत्वों के परमाणु भार के क्या होगा? बराबर होगा। तो जैसे कि एग्जाम्पल की बात करते हैं, हमने एक एग्जाम्पल लिया लिथियम सोडियम पोटेशियम। तो स्टूडेंट, लिथियम का परमाणु भार, जो परमाणु क्रमांक होता है वो होता है 3, सोडियम का होता है 11 और पोटेशियम का होता है 19। और ये जो तत्व आपके पास में होते हैं, ये फर्स्ट वर्ग, पहला जो वर्ग होता है, ये पहला जो समूह होता है, उसी के क्या होते हैं ये तत्व होते हैं। तो पहली कंडीशन देखो, उसी क्या बोल रहा है कि तीन तत्वों के समूह होने चाहिए, तीन तत्व होना चाहिए, तीनों तत्वों का एक समूह है, ठीक है, एक ही वर्ग के हैं। क्या इन तीनों तत्वों के बीच परमाणु क्रमांक का अंतर 8 है? यहां भी कितना है? 8 है। परमाणु क्रमांक का अंतर क्या है आपके पास में? समान है। अब बात करते हैं इसके परमाणु भार की, तो बीच वाला जो तत्व है सोडियम, अब देखो स्टूडेंट,
ये जो लिथियम होता है इसका परमाणु भार होता है 7, सोडियम का होता है 23 और इसका होता है 39.39। अब इसका औसत निकालते हैं तो औसत परमाणु भार जो आपके पास में होगा सोडियम का वो क्या होगा, बाकी बचे हुए जो दो तत्व हैं पहला और लास्ट का इन दोनों के परमाणु भार को हम क्या कर देंगे जोड़ देंगे और इसमें दो का भाग दे देंगे तो आने वाला परमाणु भार इसके बराबर आना चाहिए। अगर ऐसा होता है तो ये ग्रिक के नियम की पालना करते हैं। तो देखते हैं स्टूडेंट हमने किया 7 + 39/2 ये हो गया आपके पास में 46/2 ये आएगा 23। तो देखिए स्टूडेंट यहाँ पर जो सोडियम का औसत परमाणु भार जो आया है वो किसके को आ रहा है 23 के को आ रहा है। अब स्टूडेंट यहाँ से जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं क्वेश्चंस इस टाइप के होंगे कि बताओ कौन कौन से तत्वों का समूह त्रिक के नियम की पालना करता है। तो आपको याद रखना है वे तत्व एक ही वर्ग के होने चाहिए ठीक है और उन सभी तीनों तत्वों के बीच में 8, 8, 18, 18 परमाणु क्रमांक का अंतर होना चाहिए और बीच वाले तत्व का औसत परमाणु भार बाकी बचे हुए दो तत्वों के औसत परमाणु भार के बराबर होना चाहिए। अब एक एग्जांपल से बात करते हैं स्टूडेंट आपको बताना होगा क्या ये तत्व तृतीय नियम की पालना करते हैं। ये सर तो हम एक एग्जाम्पल लेते हैं लिथियम बोरोन कार्बन। तो लिथियम जो होगा इसका परमाणु क्रमांक होता है स्टूडेंट 3, बोरोन जो होता है 5, कार्बन जो होता है 6। बताओ क्या ये जो आपके पास में तत्व है ये तत्वों का जो समूह है क्या तृतीय नियम की पालना करेगा, यस या नो? तो आप बोलेंगे सर नो, क्योंकि ये जो परमाणु क्रमांक है ये कितना है 3, ये है 5, ये है 6। पहली बात ये जो तत्व आपके पास दिए हैं ये एक ही आवर्त में आते हैं ना कि वर्ग। तो पहला सवाल तो यहीं से गलत हो गया कि ये वर्ग के तत्व नहीं किसे तत्व है आवर्त के, तो सवाल क्या हो जाएगा गलत हो जाएगा। अगले सवाल की बात करते हैं, अगले एग्जाम्पल की बात करते हैं, ये जो आपके पास सवाल था ये तत्व है तरीके नियम की पालना नहीं करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है मान लो आपके पास में है बेरिलियम मैग्नीशियम और क्या दिया हुआ है कैल्शियम, क्या ये तरीके नियम की पालना करते हैं? तो देखना बेरिलियम जो होता है इसका परमाणु क्रमांक होता है 4, मैग्नीशियम होता है 12 और कैल्शियम होता है 20। तो स्टूडेंट इसका परमाणु भार 8, इसका हो जाएगा 24, इसका हो जाएगा 40। तो सबसे पहले हम ये देखेंगे क्या ये एक ही वर्ग के तत्व हैं? तो हाँ ये सेकंड द्वितीय वर्ग के तत्व हैं। क्या हमारे पास में यहाँ पर जो दिया गया है देखो समान रासायनिक गुण वाले तत्वों के तीन तत्वों का समूह जो एक ही वर्ग में, पहली कंडीशन होगी यहाँ पर, दूसरी कंडीशन परमाणु क्रमांक का 8 या 18 होना चाहिए। बताओ कितना है यहाँ पर परमाणु क्रमांक अंतर 8 और यहाँ पर परमाणु क्रमांक अंतर कितना है 8। चलो दूसरा नियम भी हो गया। तीसरी बात क्या करें बीच वाले तत्व का परमाणु भार बाकी दो तत्वों के परमाणु भार के औसत भार के होना चाहिए बराबर। तो निकाल देते हैं इसका औसत परमाणु भार, इसका औसत परमाणु भार क्या है स्टूडेंट 8 + 40/2 कितना आएगा 24। तो आंसर क्या हो जाएगा ये हो जाएगा। स्टूडेंट इस नियम की कमी ये थी कि जो सभी तत्व जो होते हैं इस नियम की पालना नहीं करते क्योंकि हमारे पास में डी और एफ ग्रुप के जो तत्व होते हैं उनके मध्य परमाणु क्रमांक का अंतर है इस नियम की पालना नहीं करता, वहां पर परमाणु क्रमांक का अंतर 8 या 18 नहीं पाया जाता, इस वजह से नियम क्या हो गया विफल हो गया। ठीक है स्टूडेंट अगला नियम आता है फोर्थ नियम जो आपके पास में आ रहा है, फिफ्थ नियम जो आ रहा है आपके पास में उस नियम की बात करते हैं, वो आ रहा है लोथर्मेयर वक्र या लोथर्मेयर ग्राफ। स्टूडेंट लोथर्मेयर वक्र क्या कहता है कि समान भौतिक गुण वाले तत्वों को, क्या बोल रहा है कि समान भौतिक गुण वाले तत्वों को वक्र में ग्राफ में एक जगह पर व्यवस्थित किया जाता है। तो ये क्या बोल रहा है समान भौतिक गुण वाले तत्वों को ग्राफ में एक ही जगह व्यवस्थित
किया जाता है। जैसे अब इसने ग्राफ बनाया हमारे पास में, हम जो यहाँ पर ग्राफ जो बनाएंगे तो ग्राफ यहाँ पर बनेगा, वो बनेगा परमाणु भार और परमाणु आयतन के मध्य। तो यहाँ पर जो ग्राफ बनेगा वो बनेगा परमाणु भार और परमाणु आयतन के मध्य। ये हो जाएगा आपके पास स्टूडेंट परमाणु भार, और इधर हो जाएगा आपके पास में परमाणु आयतन। और ये जो ग्राफ आपके पास बना, हम ये बोल सकते हैं एक टेढ़ी मेढ़ी रेखा हमारे पास आती है, जिगजैग आकृति आती है, इस प्रकार का एक ग्राफ बनता है। इस ग्राफ में इसने बताया कि इस ग्राफ का जो शीर्ष है, शीर्ष बिंदु जो है यहाँ पर, इस शीर्ष बिंदु पर यहाँ पर का फर्स्ट वर्ग जो होता है जिसको हम बोलते हैं फर्स्ट ए वर्ग, और फर्स्ट वर्ग का नाम कौन सा नाम होता है, क्षार धातु। कौन सा होता है, क्षार धातु वर्ग। कौन कौन से होते हैं, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, ये वाले आपके पास में। और इसी वर्ग का दूसरा नाम होता है अत्यधिक वैद्युत धनी धातु। क्या नाम होता है, अत्यधिक वैद्युत धनी धातु। ठीक है स्टूडेंट, तो फर्स्ट ए को जो रखा गया उसको रखा गया ग्राफ के शीर्ष पर, सेकेंड ए को रखा गया यहाँ पर, यहाँ पर आएगा सेकंड ए वर्ग, और सेकंड ए वर्ग का नाम होता है स्टूडेंट वो था क्षार धातु वर्ग। सुनेंगे क्षार ये मृदा धातु वर्ग। ठीक है स्टूडेंट, क्षार ये मृदा धातु वर्ग, इसमें आपके पास में आएंगे बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, ये वाले आपके पास में। ये जो तत्व आपके पास याद रखे गए थे स्टूडेंट, इन तत्वों को अवरोही क्रम में व्यवस्थित किया गया है। कैसे किया गया, अवरोही क्रम में व्यवस्थित किया गया था। अब इस तत्व की बात करते हैं, यहाँ पर जो ग्राफ है यहाँ पर जिसको रखा गया वो था यहाँ पर हाइड्रोजन फैमिली, हाइड्रोजन तत्व या हाइड्रोजन परिवार। अब हाइड्रोजन परिवार के तत्वों को यहाँ पर जब रखा गया तो उनको रखा गया था आरोही क्रम। कौन से क्रम में रखा गया, आरोही क्रम। और ये कौन कौन से, देखो इसी का दूसरा नाम होता है, देखो यहाँ पर दिया गया था अत्यधिक वैद्युत धनी धातु, इसको बोल सकते हैं कम वैद्युत धनी धातु, और ये आएगा अत्यधिक विद्युत ऋणता वाले तत्व। और इसमें आपके पास में आएंगे हैलोजन, वो आएंगे फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। ठीक है स्टूडेंट, और इस ग्राफ का जो तल है, ये जो ग्राफ का तल है, इस तल पर रखा गया था संक्रमण धातु। किस पर रखा गया, संक्रमण तत्व, संक्रमण तत्व हो जाएगा डी, इसको बोलेंगे डी। तो स्टूडेंट ये जो योगक्रमीय वक्र है, ये जो ग्राफ है, ये हम बोले जाए तो तत्वों के परमाणु भार के आवर्ती फलन के बराबर है, तत्वों के परमाणु भार के आवर्ती फलन को दर्शाता है। और तत्वों के परमाणु भार का आवर्ती फलन यही हमें मेंडेलीव का नियम बताता है, जिसकी अध्ययन हम कल करेंगे। लेकिन इसके बारे में थोड़ा सा करते हैं स्टूडेंट, देखिए ना लोथर्मियर जो ग्राफ होता है, इसने क्या बोला कि समान भौतिक गुण वाले तत्वों को ग्राफ में एक ही जगह व्यवस्थित किया जाता है। तो ठीक है, अगर हम ग्राफ बना रहे तो ग्राफ बनेगा वो परमाणु भार और परमाणु आयतन के मध्य बनेगा। परमाणु भार और परमाणु आयतन के मध्य बना तो हम बोलेंगे ग्राफ के शीर्ष पर, यहाँ पर जो ग्राफ है, ग्राफ के शीर्ष पर बनाएंगे आपके पास में फर्स्ट ए धातु वर्ग। ठीक है स्टूडेंट, और अगर बोले नीचे के तल पर यहाँ पर हमारे पास में आएंगे संक्रमण तत्व। उसके बाद में स्टूडेंट आरोही क्रम और अवरोही क्रम, अवरोही क्रम जो आपके पास में आएंगे वो आएंगे सेकंड ए धातु वर्ग, और लास्ट स्टूडेंट हमारे पास में जो आएगा आरोही क्रम। कौन सा क्रम आ रहा है, आरोही क्रम, इसमें आएगा हैलोजन परिवार, हैलोजन परिवार। लेकिन स्टूडेंट आगे चलकर ये नियम विफल हो गया, क्योंकि ये नियम क्या कहता था, इसने कहा कि समान भौतिक गुण वाले तत्वों को ग्राफ में एक ही जगह पर व्यवस्थित किया।
किया जाता है और यह ग्राफ तत्वों के परमाणु भार के आवर्ती फलन को दर्शाता है। ठीक है स्टूडेंट, बाकी बात करेंगे कल क्लास में।